अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सम्मान में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को सम्मान देने का सबों ने संकल्प लिया। कई स्थानों पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में आदर्श कॉलेज राजधनवार में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने महिलाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। सबों ने महिला को शक्ति स्वरूपा, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति समेत कई उपाधियों से नवाजा। लोगों ने कहा, आज महिला ना होती तो समाज ना होता। महिला के कारण ही आज हम अपने आप को सम्मानित या उच्च शिखर पर पहुंचा पाने में संभव हुए हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपनी सफलता का परचम गाड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने तथा महिला पुरुष में समानता के लिए यह दिवस महिलाओं को समर्पित है। लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है, उनको जो मोटिवेशन मिलता है, रियली में क्या वो सारी लड़कियों को मिल पाता है? हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में लड़कियों को लेकर जो प्रॉब्लम है, बस हम उस नेगेटिविटी को रखना चाहेंगे, ताकि हमारे जो भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो लड़कियों के प्रति जो भी समस्याएं हैं उसका हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जमाने में पुरुषों से आगे निकल गई है। शिक्षा का स्तर देखा जाए तो महिलाएं अहम पदों पर पहुंचकर राष्ट्र की सेवा कर रही है। पूर्व की महिलाएं एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो आज भी याद किए जाते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू। ऐसे तमाम अनगिनत चेहरे हैं जो हमारे देश के लिए कई कुर्बानियां दी। घर में 9 महीने अचेत सा बालक, जब इस मृत्युलोक में आता है तो अमृत स्वरूपा माता अपनी अमृत की धारा को प्रवाह करते हुए उसको अपने नए जीवन में प्रवेश किया। ममत्व वहीं से आता है, ममता की प्रतिमूर्ति, संयम की प्रतिमूर्ति, एक ऐसा स्वरूपा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की और इन कुछ वर्षों में थोड़ी समाज में अब संस्कृति जो आई, शताब्दियों की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 4-5 शताब्दियों की, ज्यादा पुरानी, तो इस मां स्वरूपा को काफी ठेस पहुंची। चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो समझौता, जिस मां ने हमें जन्म दिया वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी। जिस मां ने हमें पृथ्वी पर लाया हम उसके लिए समझौता करेंगे।